खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। उनको ये बिजनेस करना, उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है। सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेते ही काम शुरू कर दिया और उनके पहले कामों में से एक था धर्मस्थलों और अन्य जगहों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाना। यह प्रतिबंध नियम के खिलाफ तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर्स के लिए है। 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में यह फैसला भी लिया गया। इस संबंध में जारी किए गए प्रेस नोट में लिखा है, किसी भी तरह के धार्मिक स्थल या दूसरी जगहों पर निर्धारित मापदंड के मुताबिक ही लाउडस्पीकर या डीजे वगैरह का इस्तेमाल हो सकेगा। लाउडस्पीकर और दूसरे माइक वाले यंत्रों का नियम के खिलाफ बिना मंजूरी तेज आवाज में इस्तेमाल पूरी तरह से बैन किया गया है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से समय समय जारी किए गए दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया। साथ ही ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण विनियम नियंत्रण नियम 2000 के प्रावधानों का जिक्र किया गया है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के तहत औद्योगिक, कमर्शियल, रिहायशी और शांत क्षेत्रों में दिन और रात के समय ध्वनि की अधिकतम तीव्रता तय की गई है। इस आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश में जिन धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है उन जगह का औचक निरीक्षण होगा, मतलब अचानक से कोई ना कोई चेकिंग के लिए वहां पर पहुंचेगा। ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों की जांच भी होगी। 3 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ये भी जानकारी दी गई है कि धर्म गुरुओं से बात कर लाउडस्पीकर को हटाने की कोशिश भी की जाएगी। 13 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक के बाद शाम को सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बैठक में किए गए तमाम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खुले में मांस की दुकान चलाने को लेकर फूड सेफ्टी के नियम लागू करने के लिए कैबिनेट में तैयारी करने को कहा गया है। वहीं शिक्षा से जुड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत हर जिले में युवाओं के लिए एक्सेलेंस कॉलेज बनाने और डिग्री मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर शुरू करवाना शामिल होगा। वहीं क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए आदतन अपराधियों की जमानत रद्द किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये नए नए सीएम के नए नए काम हैं। अब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मेरा नाम सोनल है, सारी जानकारी मेरी साथी सुरभि ने जुटाई थी। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।